इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है फेल्डीन। फाइजर की यह प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक्टिव ड्रग पाई जाती है पाइरोक्सिकैम। पाइरोक्सिकैम की टेबलेट भी आती हैं और कैप्सूल भी आती हैं, और इसकी मुख्तलिफ डोजेज आपको मिल जाएंगी, जैसे कि अभी देख सकते हो 20 मिलीग्राम्स में, कहीं कहीं पे आपको 10 मिलीग्राम में भी इसकी डोज मिल जाती है। पाइरोक्सिकैम असल में क्या है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों को ये दी जाती है। अब अर्थराइटिस दो तरह का होता है, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है रूमाटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि जो आपकी हड्डियां होती हैं वो थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपके जोड़ होते हैं वहां पे सूजन हो जाती है, और फिर आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक होती है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, वो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं, कभी कभी वो इम्यून सेल्स आपके अपने जोड़ों के अंदर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वहां पे सूजन हो जाती है, और एक बार फिर आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसके अलावा कभी कभी जिन लोगों को गाउट होता है, ये जो आपके बड़े वाला अंगूठा है या आपके हाथों के या कलाइयों के जो जोड़ हैं, इनमें कभी कभी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से शदीद किस्म का चुभने वाला दर्द होता है। तो कभी कभी गाउट के लिए भी पाइरोक्सिकैम जो है प्रेस्क्राइब हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में पाइरोक्सिकैम आती है, लेकिन एक बात याद रखें, जब आप ये लेंगे तो खाने के साथ लें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ताकि पाइरोक्सिकैम का कोई मैदे के ऊपर थोड़ा सख्त किस्म का असर ना पड़े। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। किसी भी पर्सन को अगर कोई भी मैदे का मसला है, या उसको कभी जख्म हुआ, या उसके मैदे से खून आ रहा है, तो कतई पाइरोक्सिकैम का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जो लोग पहले से अमराज कल्ब में मुब्तिला हैं, यानी कभी उनको कोई सर्जरी हुई है, या उनको कभी हार्ट अटैक हुआ है, या वो रिस्क पे हैं, तो आपने पाइरोक्सिकैम का इस्तेमाल नहीं करना, सख्ती से मना है। इसके अलावा याद रखें, प्रेगनेंसी के दौरान भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करें, और गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही अपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। बाकी जो लोग इसके कुछ शिकायत रिपोर्ट हुई है कि एडिमा, यानी कोई जिस्म में पानी वगैरह जमा हो जाता है, भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है, कुछ लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया, बाज लोग कहते हैं डायरिया हो जाता है या गैस हो जाती है, मतली होती है, उल्टी आती है, सर चकराते हैं, सर में दर्द हो जाता है, ये छोटे मोटे मसले मसाइल हैं। आप मेडिसिन छोड़ देंगे तो ये मसले मसाइल भी खत्म हो जाएंगे, इसका कोई ज्यादा इशू नहीं है। बहरहाल, अगर आपका कोई सवाल हो फेल्डीन के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही गुजारिश करूंगा, चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।